नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, रिया सिन्हा आपके साथ है। मराची थाना क्षेत्र के कसहा दियारा का कुख्यात अपराधी विक्की राय, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी लगाया गया था, वो अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया है। इसके पहले हमने आपको बताया था बेगूसराय के चूहा की कहानी, जहां चूहा सिंह उर्फ संतोष जो है वो पकड़ा गया था। इसी मुठभेड़ में विक्की राय भी शामिल था, लेकिन यह भाग खड़ा हुआ था। आपको बताएं कि विक्की राय के साथ साथ चूहा सिंह और उसका एक और साथी था, और जिसमें कि चूहा को गोली भी लगी थी, लेकिन उसके बाद वो पकड़ा गया, जबकि विक्की राय भागने में कामयाब हो गया था। यह एक कुख्यात अपराधी है और इस पर तमाम बहुत सारे केसेस दर्ज हैं, जैसे कि मर्डर के केस, रंगदारी के केस, फिरौती के केस, किडनैपिंग के केस, और जिसके बाद इसकी छानबीन बहुत दिनों से चल रही थी। और एक वक्त जब वो पकड़ा गया तब मुठभेड़ भी हुआ, जिसके बाद 7 राउंड फायरिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, और 18 राउंड फायरिंग इनके गैंग के द्वारा, यानी कि विक्की गैंग के द्वारा की गई थी। इसी गैंग में चूहा भी शामिल था, जो कि पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, और अब विक्की राय की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इससे जो इलाके में है, खुशी की लहर है कि किस तरीके से बारी बारी से सभी रंगदारी लेने वाले और ऐसे हत्यारे जिन पे हत्या का आरोप है, वो लोग पकड़े जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस पर 50,000 का इनाम था, और चूहा पर भी 50,000 का इनाम लगाया गया था। इसके पहले बेगूसराय की पुलिस की टीम और एसटीएफ पटना की टीम सबके पीछे पड़ी थी, लेकिन सबको पकड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन अब उनके बीच यह कामयाबी हासिल हुई है कि विक्की राय भी गिरफ्तार हो चुका है। इनकी उम्र जब आप देखोगे, आप चेहरा देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, और चूहा का भी चेहरा देख सकते हो, दोनों ही काफी कम उम्र के हैं। और इतने कम उम्र में ऐसी चीजें इन्हें क्यों करनी पड़ रही है, हमें समझ नहीं आता। शायद से हम समझ सकते हैं सिस्टम में भी फॉल्ट है, पढ़ाई की भी कमी है, लिटरेसी जो है हमारे बिहार में काफी कम है, और ये जो भावना है शुरू से है कि ऐसे लूटपाट, रंगदारी, फिरौती मांगकर हम इजिली पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते और इनके पास नौकरियां भी नहीं होती, और फिर ये बदल जाते हैं और एक अपराधी बन जाते हैं। क्योंकि हर अपराधी जन्म से ही अपराधी नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। और इन दोनों की उम्र भी आप देख सकते हो काफ़ी कम है, हम इनके साइड नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट तो इसमें समझ आता है कि ऐसा क्यों होता है, ये लोग अपराधी कैसे बन जाते हैं, और क्या हो जाता है कि इतना सब कुछ इन्हें करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इनके साथ 315 बोर की राइफल और मास्केट राइफल भी बरामद की गई है, और बड़े तादाद में पहले भी कई राइफल बरामद की गई थी जहाँ पर छापेमारी की गई थी, और अब ऐसी एक और घटना सामने आई है, और हालांकि कुख्यात विक्की राय गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें।